सब ये रोड पे कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रोड पूरा बंद हो गया। यहाँ पे बूढ़े आदमी कोई भी गए तो गिर के पैर टूट रहा, कोई आदमी कर नहीं सक रहे। ये वायर देखिए, पूरा करंट आ रहा अंदर, पानी में करंट आ रहा, झाड़ में करंट आ रहा। कोई झाड़ काटने वाला नहीं, कोई भी वाला कुछ करने वाले नहीं। हम कैसा रहना है यहाँ पे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कैसा रहना आप बताइए? कोई MLA आता नहीं, कारपेंटर आता नहीं, कोई भी आदमी आता नहीं, कैसा करना है? LNT वाले पूरा कंपाउंड वॉल तोड़ के गए हमारा, बनाते बोले, हम बोले आप इससे पूरा आप जो आपकी मर्जी है तोड़ के, कितना तोड़ते तोड़ के बना के आप तोड़ दो, हम बनाएंगे। बोले उन्होंने आज तक बने नहीं, 3 साल हो गया, हमारे घर को सेफ नहीं है। देखो हम काटन लगा के घर चला रहे हैं हमारा, उन्होंने कितना है मार को अभी तक ये भी नहीं करे कि कितना है हमारा बोल के प्रॉपर्टी। इसके बारे में आप कुछ करिए। सब मेन वायर है 7500 KV का वायर है, मेन वायर है, इसके अंदर करंट आ रहा है, झाड़ में करंट आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के रखना पड़ रहा है, हम घर में से बाहर आने के लिए तकलीफ हो रहा है बहुत। ये KV वाले झाड़ भी नहीं काट रहे पूरा, आप देखिए झाड़ कैसा, पूरा अंदर KV करंट का वायर आ रहा है अंदर। कैसे काटे देखो, वो आधा आधा काटे लेके भी नहीं गए, उसको ले जाने के लिए 5000 रुपये हम खर्चा करके JCP से हटा के ये करे, पूरा स्क्रैप इधर ही फेंके उसका। ये 1988 से हम घर बनाए हैं और ये हमसे बेटरमेंट चार्जेस पूरे ले लिए गए, मगर ये जरा बराबर भी सड़क का डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारा अब तक। इलेक्शन वोट ले रहे, वोट भी ले रहे, सब ले रहे, मगर हमारा ना काम नहीं कर रहे हैं। ये किसी को बोलना, वो बोले मगर फिर भी कोई भी इसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे। थोड़ा लेकर करे तो अच्छा होता बहुत, हमारे बोले सरकार, बूढ़े लोग हो, बच्चे लोग हो, अब गाड़ी निकलना आना जाना बोले तो बहुत तकलीफ हो रहा है। वो थोड़ा क्या तो भी मुरमा गिरमा क्या तो भी डालना, वो कुछ भी नहीं डाल रहे वैसे। थोड़ा LNT का रहे तो LNT वाले एक साहब आया था 3-4 साल पहले, ये तोड़े गए ख़त्म, उन्होंने बाद में नहीं आया इधर। क्या बोलो मालूम? मैं आदर्श नगर गुलबर्गा से रहता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंट मेरे घर वाले आपसे बात किए हैं कि सर्विस रोड वगैरह बनाए नहीं, मैं इसमें है ना और 2 पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या बोले तो अभी जो है जो भी यंगस्टर्स जा रहे हैं वो लोग बाइक चलाते हैं, वो क्या है जो मेन हाईवे है ये अभी सर्विस रोड मेन रोड नहीं रही है, हाईवेज है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े व्हीकल्स आते हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ वगैरह आते, तो टू व्हीलर्स के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है उससे। तो अगर आप वही ये सर्विस रोड अगर आप रिपेयर करें, अगर ये सर्विस रोड है ना वेल मेंटेन अगर रखें ना, तो जो हाईवे पर टू व्हीलर्स बाइक वगैरह जा रहे, जो भी छोटे गाड़ी वगैरह जा रहे, तब है ना वो लोग ये रोड यूज़ करते हैं। क्या है तब है ना बड़े बड़े व्हीकल्स साइड में रहते हैं, एक साइड में रहते हैं, और जो छोटे व्हीकल्स है जो बाइक्स वगैरह है वो लोग सर्विस रोड पर रहते हैं। उससे क्या है एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत बचते हैं और बहुत सारे लोगों की जान बचती। क्या है आगे आप देखें ना, रिंग रोड पूरा ब्लॉक हो गई है। क्यों ब्लॉक हुई? क्या है लोग कोई आ रहे ही नहीं, क्या पूरी बेकार रोड करके छोड़े हुए, पूरे खड्डे है वगैरह वगैरह है, तो लोग कौन प्रीफर कर रहे हैं ये रोड पर ट्रैवल करने के लिए। मैडम से खास रिक्वेस्ट करता हूँ कि है ना ये एरिया को भी आप है ना आके एक बार विजिट करें, आप भी आके ये एरिया को देखें। जगदली सुमार 32 वर्ष आयतु ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಡಿನವ್ರು ಇವರು LNT ಏನಿದು, ಇವರು ಬಂದ ಬಳಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಂತೂ ಪೂರನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ರೀ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವತಃನೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಟ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಏರಿಯಾದ MLAದವರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹೈಯಲ್ಲ, ಓಟಿಗೆ ಬರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂದಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅಸರ್ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ.